A very warm welcome to all of you to self-selection board, a one step towards your uniform. My name is Shubham Varshney and today we are going to talk about my SSC tag 53 experience. This can help you in the Indian Army, Navy and Air Force. Let's start. Look, in this SSC tag 53 experience, you will know about 4 things. That is OIR, PPNDT, Narration and GD. Now in these 4 parts, we start with OIR. My SSB was 17 SSB Bangalore. में. उसमें जो मेरी OIR की पहली बुकलेट थी उसका नंबर था 35 एंड दूसरा था 54. तो अगर वो ही बुकलेट द्वारा आती है तो प्रोबेबल चांसेस हैं कि आपकी OIR में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. पहला जो टाइप आया था वो ये था कि आपको कोई स्टेटमेंट बता दी जाती है और आपको बताना है वो सही क्यों है. जैसे यहां पर दी है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज ए इट इज स्टेटेड इन प्रीएम्बल, बी पीपल हेल्प ईच अदर, सी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल एंड वर्क फॉर देम, and D, it was decided during the independence. इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें हमें कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा. और अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं. दूसरा टाइप है, इसमें एक थोड़ा न्यूमेरिकल है, थोड़ा अर्थमेटिक टाइप का है ये. और इसमें ये है, a bag contain 9 sandbag and these 9 sandbags contain 3 smaller bag each. What is the total number of smaller bags? अब ये क्वेश्चन मेरे OIR में छपा छपाया आ गया था सेम डिटो, मतलब 9 sandbags, 3 small bags in each. तो मैंने डायरेक्टली ऑप्शन सी मार्क कर दिया था और मैं आपके साथ वो OIR डिस्कस करूंगा, उसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूं. ये था टाइप 2. अब चलते हैं टाइप 3 के बारे में. टाइप 3 है, राइट द लास्ट अल्फाबेट ऑफ द वर्ड व्हिच कम लास्ट इन द डिक्शनरी. आपको याद होगा पहले हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को हम देखा करते थे जिसमें हम अल्फाबेटिकली हम उन्हें देखा करते थे इनमें से कौन सा है. तो आप में को इनमें से बताना है इनमें से लास्ट वर्ड कौन सा आएगा. चलिए आगे चलते हैं टाइप 4. टाइप 4 है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता. इसमें क्या आता है, आपको सेट ए और सेट बी दे रखे हैं, आपको इनमें पैटर्न सेम दिखा होगा. देखिए दोनों जो शेप हैं वो सेम है और दोनों शेडेड हैं, जबकि इसमें क्या है दो शेप अलग अलग हैं और शेडेड हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब पॉसिबली बिलोंग टू सेट बी. तो इसका आंसर आएगा ये वाला रीजन. देखो इसमें सेम शेप है पर इसमें डिफरेंट शेप है तो वो सेट बी से मैच कर रहा है, तो आंसर हो गया बी. अगला है सीरीज में एक आपको अगला पैटर्न क्या होगा वो बताना. इसमें एक दूसरा टाइप होता है कि आपको ऐसे दे दी गई है और आपको बताना है अगला नंबर क्या आएगा. मेरे में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए थे, मेरे में सीधे सिर्फ अल्फाबेट्स पे आए थे. मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अल्फाबेट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जो आपकी आंसर शीट में ऊपर नीचे और साइड में जगह है वहां पर आप एबीसीडी लिख लें और एक एबीसीडी ऐसी लिखें जिसमें आपके ऊपर नंबर लिखे हो. ये आपकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा देगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे. जैसे इसमें B के बाद F आ रहा है यहाँ पर, तो B के बाद तीन लेटर छोड़ के F आ रहा है और यहाँ पर G को F के बाद तीन लेटर छोड़ के J आ रहा है. अगर मैं इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करूँ तो तीन लेटर छोड़ के N आ रहा है, तो यहाँ पर N आ रहा है तो उसका मतलब यहाँ पर J आएगा. तो ऐसे J के दो ऑप्शन थे, तो आप बताओ इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. मेरे अकॉर्डिंग तो सी था, अब आप बताइए. अगला क्वेश्चन ये है डाइसन क्यूब का, ये बताना है ये डाइस सेम है कि नहीं. अब देखो जब अगर आप इस डाइस के राइट लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपको एक इन्फिनिटी का साइन दिखेगा. जब इसे यहां से ऐसे रोटेट करोगे तो क्या ये वाली टिप इसके ऐसी फेस पे आ रही है, तो आंसर है नहीं. तो ये डाइस सेम नहीं है. इस टाइप के क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे. अगले टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस टाइप का जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे एग्जाम में डायरेक्टली आ गया था. मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, पहले मैं आपके लिए थोड़ा पढ़ देता हूँ ये क्या लिखा है. हंटर किल हाफ एंड वन बर्ड ऑफ टोटल विच वॉज सिटिंग ऑन अ पर्टिकुलर ट्री. मतलब एक हंटर एक पेड़ पे जो चिड़िया होती है उनमें से आधी मार देता है और एक कम, मतलब पहले वो हाफ मारता है उसके बाद उसका थोड़ा और मन करता है फिर एक और मार देता है. ठीक है, तो टोटल ये इतनी मारता है. अब इसके बाद वो कहता है कि वो फिर से आता है और उसके बाद जो बची हुई चिड़िया होती है उनकी आधी और मार देता है और एक कम. समझ रहे हो बात आप, तो टोटल इसने हाफ माइनस वन ये एक बार मारी और फिर से दोबारा आकर ये एक बार और मारी, तो मारने के बाद उसकी सिर्फ तीन चिड़ियां बच जाती है. तो ओरिजिनल नंबर ऑफ बर्ड्स कितनी थी ट्री में, तो मुझे इसका आंसर सी पता था मुझे, क्योंकि मैं घर से सॉल्व करके गया था, बाय चांस वही एग्जाम आ गया सेम फिगर्स के साथ, तो मैंने तीन मार्क कर दिया. बट ये काफी लेंथी प्रोसेस है फाइंड करने का आंसर, आपको शॉर्टकट पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं आप. अब चलते हैं आगे. अगला होता है रीअरेंज द वर्ड. आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा उसके आगे एक सेंटेंस उसके सपोर्टिंग में कर रहा होगा और आपको बताना है कि वो वर्ड क्या है, और इसमें ऐसा कर देंगे कि वो वर्ड को अरेंज करके उसका लास्ट लेटर बताओ.
अब मैं सेंटेंस को पढ़ता हूं, इस सेंटेंस को हमेशा पढ़े डैश करके, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि वो क्या है। डैश इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाय अ पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी। तो इसका आंसर है लैंग्वेज। तो इसके आखिर में जो आखिरी लेटर आता है वो है ई, और ये मुझे ऑप्शन में लिखना है। ध्यान से पढ़ लेना क्या लिखा है वहां पर, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आगे चलते हैं। ये लास्ट टाइप है जो मेरे एग्जाम में है, उसमें क्या होता है कि एक वर्ड के लिए एक कोड दे दिया होता है, तो उसके रिलेटेड दूसरे वर्ड के लिए क्या कोड होगा। इसका सिंपल तरीका है, कंप्यूटर है तो इसके नीचे ये वाला कोड दोबारा लिख दो, मतलब आर एफ यू वी, ठीक है, सामने मेडिसिन लिख दो और आपको फटाफट वो पता लग जाएगा, ठीक है, कि वहां पर अपोजिट हुआ है कि नहीं। जैसे यहां पर सी और आर अपोजिट हुआ है, तो वहां पर एम और ई अपोजिट हुआ होगा। पहले चेक कर लो ऐसे कितने ऑप्शन है, वहां पर दो ऑप्शन है, उसके बाद ये चेक कर लो इनमें से कॉमन कॉमन कौन से हैं, और जो पोजीशन कॉमन ना आए उसके बारे में चेक कर लो। जैसे यहां पर पोजीशन जे और ई की कॉमन नहीं आ रही है, तो लास्ट मतलब थर्ड लास्ट को आप चेक कर लें और बाकी आपका काम हो जाएगा। ये होता है ओआर का काम खत्म। पर मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, कई बार ऐसा होता है ओआर की आप प्रैक्टिस करके जाते हैं कई बुक्स से और वैसे नहीं आता है, तो आप एक काम करें, जेसीओ जब ओआर को आपको बताएगा तो आपको कुछ एग्जांपल कराएगा आपको ओआर बुकलेट देने से पहले, उन ओआर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, वही ओआर क्वेश्चन आपको ओआर बुकलेट के अंदर मिलेंगे। जो ओआर बुकलेट से मैंने प्रैक्टिस की थी वो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो फेसबुक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का और गूगल ड्राइव का है, वहां जाकर आपको मिल जाएगा। मेक श्योर आप उससे सॉल्व जरूर कर लें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्लस एडवांटेज है। अब बात करते हैं पीपीएन डीटी के बारे में। पीपीएन डीटी में मेरी एक पिक्चर आई थी, वो इस तरह थी, मैंने थोड़ी रफली बनाई है और मैं आपको समझाता हूँ उसमें था क्या। यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक औरत है, इसने साड़ी पहन रखी थी, इसकी उम्र थी करीबन 25 से 30 साल। यहाँ पर एक खिड़की थी, मतलब ये पूरा एक रूम था एक, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी था जिसने व्हाइट कलर का कोट पहन रखा था, इसकी उम्र भी करीबन 25 से 30 साल होगी। और यहाँ पर एक औरत थी, कुछ लोगों को आदमी भी दिख रहा था, जिसकी उम्र करीबन 50 साल थी। इस बात पर सब एग्री कर रहे थे। अब इस लेडी का फेस न्यूट्रल था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्माइल या कुछ आपको दिखाया नहीं है। मैंने जब इस पिक्चर को देखी, मेरे दिमाग में दो थीम आई। पहली थी कि एक यंग डॉक्टर है, वो विजिट करने आया है एक पुअर ओल्ड लेडी को और रेगुलर चेकअप कर रहा है उसका। दूसरी मेरे को आई ओल्ड एज होम, पर मुझे इस पहली वाली थीम पे स्टेप्स नहीं आ रहे, तो मैंने दूसरी वाली थीम पर कहानी लिखी। अब कहानी क्या लिखी मैं आपको हिंदी में पढ़ के समझाता हूँ शॉर्ट में। ऐसी थी स्टोरी की, राजेश एक यंग डॉक्टर था, वो अपने नेबरहुड में जो ओल्ड एज होम था उसे विजिट करता है, तो उसे पता लगता है कि वहां पर टीम ऑफ डॉक्टर्स की जरूरत है फॉर हेल्थ चेकअप। वो अपने जो साथी थे जो उसके साथ काम करते हैं उनको कॉल करता है और कन्विंस करता है कि एक हेल्थ चेकअप कैंप वहां पर लगाते हैं। वो डिसाइड करते हैं एक डेट और एक टाइम टू कंडक्ट हेल्थ कैंप। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने आप में डिवाइड करते हैं और बनाते हैं एक प्लान और एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं पेशेंट की, जो कि डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ एज, मोबिलिटी एंड डिजीज। ये सब अरेंज करने के बाद नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट को वो गैदर करते हैं और ओल्ड एज होम के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक कैंप कंडक्ट करते हैं और ये डिटेल चेकअप करते हैं सभी पेशेंट्स का। इस ओल्ड एज होम पीपल को इससे बहुत फायदा मिलता है और वो राजेश और उसकी टीम से बहुत सेटिस्फाई होते हैं। बट मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई, यहां तक सब सही चला, कहानी वानी लिख ली मैंने, बट प्रॉब्लम हुई नरेशन में। क्या हुई, मैं अपनी स्टोरी जो थी 40 सेकंड में ही कंप्लीट कर गया, मैं 2 से 3 लाइन खत्म कर गया। अब मैंने जो पीपीएन डीटी में स्टोरी लिखी थी वो भी कंप्लीट नहीं लिखी थी, करीबन मैंने यहां तक, मतलब ये वाले जो पाथ है या यहां से यहां तक मैंने लिखना रह गया था, क्योंकि टाइम अप हो गया था। और जब हम ग्राउंड पे थे, सारे बच्चे वहां पर इकट्ठे थे, मेरा चेस्ट नंबर था 235, लास्ट में था मैं, सेकेंड लास्ट चेस्ट नंबर था मेरा। तो वहां पर असेसर एक कोने में खड़े होकर बोलता है कि अगर किसी की स्टोरी पीपीएनडीटी के बाद कंप्लीट नहीं हुई है, मेक श्योर कि जब आप नरेशन दें तो परमिशन लेके आप कंप्लीट करें। ये आवाज बहुत लो वॉइस में आई, पर मैंने जो स्टूडेंट्स आगे खड़े थे या कैंडिडेट्स आगे खड़े थे उनसे करके मतलब बात कंफर्म की मैंने, और मेक श्योर किया कि नरेशन में ये बात बोलूंगा, मैं परमिशन लेके अपनी स्टोरी कंप्लीट करूंगा। पर नरेशन के वक्त मैं ये बात भूल गया, और जो कि शो करता है लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक कोर ओएलक्यू है, आप में से ज्यादातर जो रिपीटर हैं उनको पता होगा कि लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, और इनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि जो कोर ओएलक्यू होती हैं जैसे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज, लाइवलीनेस, सोशल अडैप्टिविटी, कोऑपरेशन, रीजनिंग एबिलिटी, इनमें से अगर एक भी उन्हें एहसास हुआ नहीं है तो वो आपको बाहर निकाल देंगे, चाहे बाकी सब कुछ सही हुआ हो। तो मेरा OIR जो हुआ था 5 मिनट पहले खत्म हो गया था, तो मैं मान के चलता हूँ कि मुझे OIR 1 ही मिला होगा। मेरा GD जो था वो काफी अच्छा हुआ, उसके बारे में भी हम डिटेल बात करते हैं।
अब आते हैं जीडी पे। जीडी में जो हमारा ग्रुप था करीबन 20 से 25 लोगों का था, वो हमें हाफ में डिवाइड कर दिया गया इन्होंने। और हाफ में डिवाइड करने के बाद जैसे नॉर्मली होता है, दो अलग जीडी कराए गए, तीन असेसर थे, इनमें से एक लेडी साइकोलॉजिस्ट थी शायद, जहां तक हमें पता है वो लेडी थी, क्या थी पता नहीं। अब इसका जो इस ग्रुप का जो जीडी हुआ, इसमें बहुत फ्रेश मार्केट था। जो ये वाला ग्रुप था उसमें जीडी बहुत ही अच्छी तरह से हुआ और काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करा गया हमारे ग्रुप को। हम लोगों ने एक्चुअली एक दूसरे को अप्रिशिएट किया क्योंकि जीडी बहुत अच्छी तरह से हुआ। रिजल्ट यहाँ से ये हुआ कि जो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रुप था उसमें 222 स्क्रीन इन हुआ, और यहाँ से तीन चेस्ट नंबर स्क्रीन इन हुए, वो थे 233, 236 एंड 237। मेरा चेस्ट नंबर था 235। यहां से मेरी कहानी खत्म हो गई, मैं स्क्रीन आउट हो गया और मुझे घर वापस आना पड़ा। आई होप ये पूरा जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है स्क्रीनिंग का फॉर 17 SSB बेंगलुरु आपको फायदेमंद रहा होगा और आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। मैं आखिर में जाने से पहले कहूंगा, ये मैंने दो वीडियोस बनाई थी रिकमेंडेड कैंडिडेट प्रज्ञांशु की और राधिका की, जो आपको बहुत पसंद आई। अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो अपने रिकमेंडेड दोस्तों के नाम और उनके फोन नंबर हमें बताइए हमारी मेरी ईमेल आईडी पे या कमेंट बॉक्स में, और हम श्योरली उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। उसके बाद मेरा एक सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड नाम करके इंस्टाग्राम पर एक पेज है, उस पे जाकर आप फॉलो करें, आपको सारी अपडेट वहां पर मिलेगी। खाली यूट्यूब के भरोसे मत बैठो, कई बार बेल आइकन काम नहीं करता। ऐसे ही सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड का एक फेसबुक पेज है, उससे जाकर आप लाइक जरूर करें, वहां पर सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। और मेरे लिए कोई मैसेज हो तो सर्वर करके बात मत करो यार, मैं दोस्त बनाने आया हूं, तो @Varshney करो, अपना मैसेज डालो एंड आई एम श्योर आई विल रिप्लाई यू बैक। ये तो आपको पता ही है, वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो खाने पे बुलाना मत भूलना। मैं आप लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।